हेलो फ्रेंड्स, मोनिकास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। पालक पनीर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरी इसी तरह की रेसिपीज़ को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप नीचे दिए गए बेल के लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पालक पनीर। आइए सबसे पहले मैं आपको आपकी सामग्रियाँ नोट करा दूँ। तो पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक पत्ता लिया है और इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। 150 ग्राम पनीर, इसे मैंने चकोर शेप में कट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये होममेड पनीर है। आप चाहें तो मार्केट वाला पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर पनीर बनाना चाहें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इसे मैंने इस तरीके से लंबी शेप में कट कर लिया है। 1 बड़े साइज़ का प्याज, इसे भी इसी तरीके से लंबी शेप में कट कर लें। और यहाँ पर मैंने 10 कलियाँ लहसुन लिया है, इसे मैंने छील लिया है। 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे छील कर और मैंने थोड़ा छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। 1 तेज़पात लिया है, इसे भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। 2 लौंग लेंगे, 1 बड़ी इलायची, इसे बीच से तोड़ लें। 2 हरी इलायची, इसको भी बीच से तोड़ लीजिए। और यहाँ पर मैंने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है और इसे भी इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लिया है। 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप चाहें तो आप इसके लिए हरी मिर्ची का यूज़ भी कर सकते हैं। 3/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। तो अब इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन गैस पर रख दिया है और इसके अंदर हम ये पालक पत्ता डाल देंगे। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दें जिसमें कि हमारा पालक पत्ता जो है अच्छे से उबल सके। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और तुरंत इसे एक छन्नी में डालकर हम छान लेंगे। इसे ज़्यादा देर हम पानी के अंदर गिरा हुआ नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है कम हो जाए, और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो अब इसके मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपना पैन गैस पर रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें ये खड़े मसाले डाल देंगे सभी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात, लौंग, साथ ही ये अदरक और लहसुन डाल दें, हरी मिर्ची डाल दें, और इन सभी को हम चलाते हुए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो तेल के अंदर अच्छे से आ जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। 1 मिनट बाद हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम मीडियम फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए इसके साथ भून लेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं होने देना है। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। इसमें ये टमाटर डाल दें और टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो अब हम पैन का ढक्कन कवर कर देंगे और इसे 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। बीच बीच में आप ढक्कन हटाकर इसे चलाते रहिए ताकि हमारे टमाटर जो है वो पैन में चिपके ना। हमें टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अब आप एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर दें और गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
तो तब तक हमारे मसाले ठंडा होते हैं, इधर हम पालक पत्ता का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस पालक पत्ता को एक मिक्सी के जार के अंदर डाल लिया है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए, अब इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है और इधर हमारे मसाले भी अच्छे से ठंडा हो चुके हैं। तो अब इन मसालों को भी सेम मिक्सी के जार में डाल लें। फ्रेंड्स, हम इन सभी को बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि इन सभी मसालों का फ्लेवर जो है पालक पनीर के अंदर बहुत ही अच्छे से आ सके। तो ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पर दोबारा से अपना पैन गैस पर रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। इसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे और तेल हमारा हल्का गर्म हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़ीरा डालकर इसे चेक किया है तो इसमें हल्के बबल्स आए हैं। तो तुरंत इसमें ये ज़ीरा डाल दें सारा और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। ये देखिए, जीरा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें ये मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल दें, जीरा पाउडर डाल दें, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, मसाले डालते हुए गैस का फ्लेम लो कर लीजिए और इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। तो साथ ही हम इसके अंदर ये प्याज टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। मिला दें इसे भी अच्छे से। यहाँ पर मैंने अभी गर्म मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया है। ये देखिए, इसे इसके साथ अच्छे से मिक्स करने के तुरंत बाद हम इसके अंदर ये पालक का पेस्ट डाल देंगे, क्योंकि मसाले हमारे पहले से पके हुए हैं तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मिक्स कर दीजिए इसे भी अच्छे से। अब आप इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल दें, मिला दें इसे भी अच्छे से। अब आप इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 200 ml पानी लिया है और पानी को भी हम इस ग्रेवी के साथ ही 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसके अंदर ये पनीर के पीसेस डाल दें और इसे एक बार हल्का सा मिक्स कर दें। तो अब हम पैन का ढक्कन कवर कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे पालक पनीर जो है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसी स्टेज पर लास्ट में हम इसके अंदर ये गरम मसाला ऐड करेंगे। मिला दीजिए अच्छे से। अब इसे सर्व करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर को कद्दूकस करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर से पनीर को कद्दूकस कर दिया है। आप किसी भी तरीके से इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम गर्मा गर्म हमारा पालक पनीर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे नीचे फीडबैक देकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।